एक बहुत बड़ी खबर आ रही, गैंगस्टर गोल्डी बराड कैलिफोर्निया में गिरफ्तार हुआ है। सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी है गोल्डी बराड, और आखिरकार गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। स्थानीय पुलिस ने, कैलिफोर्निया में स्थानीय पुलिस ने गोल्डी बराड को हिरासत में लिया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कामयाबी, गोल्डी बराड को हिरासत में लिया गया है। इससे लगातार पूछताछ जारी है। यह आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस में, हत्याकांड में आरोपी है गोल्डी बराड, और अब कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड कैलिफोर्निया में गिरफ्तार। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिरासत में गोल्डी बराड, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने यही है, गोल्डी बराड जिसको कैलिफोर्निया से लगातार इसकी तलाश जारी थी, वांटेड था, और अब आखिरकार इस पूरे केस में इसकी गिरफ्तारी हो गई। कैलिफोर्निया से स्थानीय पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, पूछताछ की और गिरफ्तारी को किया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, ट्रक ड्राइवर बनकर रह रहा था गोल्डी बराड, ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। कैलिफोर्निया में सेफ हाउस उसने बनाया था, जान बचाने के लिए कैनेडा में से वो शिफ्ट हुआ था। मूसेवाला समर्थक गैंग से उसे खतरा था, ऐसे में कैलिफोर्निया के फ्रेशनुओं में लंबे वक्त से रह रहा था, और कनाडा से वो शिफ्ट होकर कैलिफोर्निया के एक सेफ हाउस बनाकर कैलिफोर्निया में वो रह रहा था। ट्रक ड्राइवर का भेस उसने अपनाया हुआ था, अख्तियार किया हुआ था, और जान बचाने के लिए वो कुछ इस तरीके से कैलिफोर्निया में रह रहा था, ये जानकारी निकल कर सामने आई है। हालांकि अब उसे हिरासत में ले लिया गया। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, ये बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। खबर अब ये निकलकर सामने आ रही है कि कैलिफोर्निया में उसे हिरासत पे ले लिया गया है। और आपको बता दें, कनाडा से वो शिफ्ट हुआ था और ट्रक ड्राइवर के भेस में कैलिफोर्निया में एक सेफ हाउस बनाकर रह रहा था। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक करना चाहूंगी जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, तो और कुछ अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं कि कनाडा से शिफ्ट हुआ था और जिसने हत्याकांड में शामिल होने का जिस पर शक है, उसे खुद अपनी जान को खतरा था, इसलिए भेष बदल कर रह रहा था। जी बिल्कुल, देखिए गोल्डी बराड जो था वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद। कहीं ना कहीं गोल्डी बराड को लग रहा था कि उसके ऊपर खतरा बढ़ चुका है। कनाडा के अंदर काफी फैंस हैं सिद्धू मूसेवाला के, इसके अलावा जो रिवाइवर गैंग है वो भी वहां पर, जो प्रतिद्वंदी गैंग है उसका, वो भी कनाडा के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। तो लिहाजा कनाडा को छोड़कर वो कैलिफोर्निया की तरफ आया, यूएस की तरफ आया, और वहां पर बकायदा साल्ट लेक के अंदर अपना सेफ हाउस बनाकर वहां रह रहा था। इसकी जानकारी जो वहां की एजेंसी थी उनको लगी, जिसके बाद उसको फिलहाल वहां से डिटेन किया गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर भारतीय जांच एजेंसियों से संपर्क नहीं साधा गया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से, जो रॉ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि गोल्डी बराड को डिटेन कर दिया गया है। किस मकसद के साथ किया गया, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया गया। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए।